हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका हिस्ट्री वर्ड चैनल में स्वागत है। सो फाइनली द मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर यूनिट 4 इज हियर। सबसे बड़ी बात ये चीज समझनी पड़ेगी, इस रूब्रिक को हम दो हिस्सों में पढ़ेंगे। जो रूब्रिक कहता है कि 18वीं शताब्दी में, 18th सेंचुरी में पॉलिटिकल और सोशल चेंज कैसा हो रहा था, पॉलिटिकल और सोशल, कि पॉलिटिकली राजाओं की और मुगल एम्पायर जो हमारा था उनकी क्या डेवलपमेंट थी, और सोशल चेंज कि सोसाइटी में सोसाइटी कैसी हो रही थी, कैसे कैसे डिफरेंट कल्चर बन रहे थे, गजल सूफी कल्चर ये सब कैसा आ रहा था। सो वी हैव टू स्टडी दिस। बट इसको पढ़ने से पहले, इस ये एक ऐसी शताब्दी है, एक ऐसी सेंचुरी है जिसमें हिस्टोरियंस के बहुत सारे मत है। सो हम पहले इस वीडियो में पढ़ेंगे कुछ हिस्टोरियंस के इस सेंचुरी के ऊपर क्या मत है, जब अपने आंसर में कुछ दो तीन पैराग्राफ को आपको जरूर डिवोट करना पड़ेगा इस चीज पे, और फिर आप उस चीज में समझा सकते हैं कि पॉलिटिकल और सोशल चेंज क्या समझाना चाहते हैं, जो हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। सब इसके लिए प्लीज प्लीज इसको ध्यान से सुनना, हिस्टोरियन के व्यूज हैं, क्या वो कहना चाह रहे हैं, वो कैसे चीजें समझा रहे हैं। लेट्स डू इट। सो इसकी बेसिकली डिबेट क्या है, द 18th सेंचुरी डिबेट, चेंज और कंटिन्यूटी। द डिबेट इज कि क्या 18वीं शताब्दी में जो चेंज हुए, बिकॉज दिस इज द टाइम जब मुगल्स का पूरा फॉल हो रहा था, डिसइंटीग्रेशन हो रहा था, ये खत्म होते जा रहे थे, पतन हो रहा था इनका। तो बात यह है कि क्या ये चेंज हो रहा था या कंटिन्यूटी थी, मतलब कि पुरानी चीजें कंटिन्यूट थी या कोई चीज चेंज भी हो रही थी, कि अलग एक अलग रजीम आ गई, एक अलग डायनेस्टी आ गई, या वही वैसे ही चीजें चलती चली गई। तो हम 18th सेंचुरी बेसिकली देखते हैं, एक के बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है इंडियन हिस्ट्री में। इसमें क्या है, जो इंटरप्रिटेशन है वो अलग अलग आ रही है। ये हमारा जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे हमने जैसे बात की कि मुगल एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर डिक्लाइन कर रहा है, तो इसको ये आपका पूरा, देखिए पहले आपने पढ़ा एक एक रूब्रिक दिया जा रहा है, एक शताब्दी पे आपको एक रूब्रिक दे दिया गया। अब आप कोई सिटी नहीं पढ़ रहे हैं, आपके सिलेबस में आपकी एक सिटी नहीं पढ़ रही है, एक शताब्दी पढ़ रहे हैं। ये शताब्दी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुगलों का डिक्लाइन, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट हम देखते हैं कि डेवलपमेंट्स हमें जो इतिहासकारों के मत में और वैसे भी हमें देखने को मिलती है। जो हिस्ट्री की हिस्टोरियोग्राफी है, बेसिकली हम क्या करते हैं कि पहले, मतलब जब हम 1800 की बात करेंगे, मतलब अगर आपने हम बात करें 18th सेंचुरी की, तो या 18वीं शताब्दी की, दैट मीन 1700 से लेके जो टाइम पीरियड जो भी डेवलपमेंट हो रहा था 1800 तक, उसको हम क्या कहते हैं, 18वीं शताब्दी। तो इसमें जो भी डेवलपमेंट हो रही थी दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब हम कहते हैं 1700 से 1750 तक, आप देखेंगे कि एक बहुत लंबा टाइम है जहां पे हम देखते हैं एक एरा ऑफ डार्कनेस है, बिकॉज 1707 में जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, तो एक डार्कनेस का, एक पूरे पतन का काल आ जाता है, जिससे हम कहते हैं कि पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन, मतलब पॉलिटिकली चीजें खराब हो रही हैं, इकोनॉमिकली पैसे डिक्लाइन हो रहे हैं, जो करेंसी है वो खत्म होती जा रही है, जो लोगों के पास आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हैं वो बहुत ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी के लोग आ रहे हैं, गन पाउडर इज ऑलरेडी देयर बट और बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है। देन वी हैव अ सीरीज ऑफ न्यू डिसऑर्डर, हम देखते हैं कि पास्ट 4 डिकेड्स में एक न्यू रीजन सेंट्रिक थ्योरी आ जाती है, बिकॉज जब औरंगजेब एज अ ग्रेट मुगल एम्पायर का एम्परर का डिक्लाइन होता है, तो कुछ कुछ रीजन्स इमर्ज हो जाते हैं, जैसे पंजाब, अवध, दीज आर द रीजन्स जो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप में आ जाते हैं, जिनका वाइब्रेंट ट्रेड होता है और एक अपनी ही स्टोरी देखते हैं। तो उसमें से दिल्ली भी हम एक ऐसा ही रीजन देखेंगे, दिल्ली की कैपिटल थी, बट एक दिल्ली अपने आप में ही एक अलग स्टोरी हमें देखने को मिलती है, जिसमें अलग अलग चीजें आप देखेंगे इस सेंचुरी में, हम देखेंगे कि सोशली पॉलिटिकल इकोनॉमिकली अलग अलग तरीके से चीजें फ्लरिश कर रही थी। अब जब हम बात करेंगे दूसरी 1750 से 1800 की, 1750 से 1800 वाली जो बात है, उसमें हमें मिक्स्ड एविडेंस मिलता है कि जैसे वहां तो हमने देख पता है कि रीजनल सेंट्रिक थी, बट कई बार क्या होता है कि लोग रीजन्स में आए बट उनके पास इतना पैसा नहीं था, और इतना पैसा नहीं था तो वो इतने बढ़िया इंपॉर्टेंट लेवल पे ट्रेड नहीं कर पाए, और तो हम देखते हैं कि एशियन और साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड कई रीजन्स कर रहे थे और बहुत अच्छा कमा रहे थे, बिकॉज जब ब्रिटिशर्स आए तब उनको साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के बारे में पता लगा, एंड देन दैट हैज फैसिलिटेटेड मच मोर ग्रोथ।
अब इसकी हमें सबसे बड़ी बात हमें समझना पड़ेगा, होलिस्टिक पिक्चर लेनी पड़ेगी। दिस इज समथिंग आई एम गिविंग यू सम ऑफ द थिंग्स, क्योंकि हमें जो बात करना है ना, मैं दिल्ली के ही संदर्भ में रहना है 18वीं शताब्दी के बारे में, तो इससे आप लोगों को कुछ आइडिया मिल जाएगा कि कैसे चीज़ें लिखनी है बीच में 18वीं शताब्दी के बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बिल्कुल हम देखते हैं कि जो बाद में एक होलिस्टिक पिक्चर में हमें जब इसके अंतिम में हम देखते हैं, तो ये हम आइडिया को हटा देते हैं कि पहले 18वीं शताब्दी को एक डार्क एज माना जाता था, कि एक अंधकार का समय है जहाँ पे आपके पास कोई प्रॉपर एविडेंसेस नहीं है। बट अब हम देखते हैं कि जब न्यू हिस्टोरियोग्राफी आई, तो हमने देखा कि रीजनलिज्म आ रहा है, काफ़ी सारे रीजन्स हैं जो अपने आप में इमर्ज हो रहे थे, और हिस्टोरियंस से हमें बहुत सारी रीजनल स्टडीज, अब कोई अवध के ऊपर करता है, कोई पंजाब के ऊपर स्टडी करता है, एंड दे प्रूव इट कि हाँ यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही थी, एंड दैट हैज अ बेटरमेंट कि 18th सेंचुरी इज नॉट सिंपली अ डार्क एज। 18th सेंचुरी एक डार्क एज नहीं था, एक अंधकार से भरा हुआ एज नहीं था, उसमें अपनी अपनी एक अलग अलग डेवलपमेंट्स हो रही थी। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, थ्योरी ऑफ डिक्लाइन आई कैसे, किसने कहा कि ये समय जो है पूरा अंधकार से भरा हुआ है? तो हम देखते हैं जेम्स मिल ने पोर्ट्रे किया कि 18th सेंचुरी कैसा है, बिल्कुल डार्क एज खत्म, जिसमें काला सा अंधकार है। जेम्स मिल बहुत इंपॉर्टेंट ब्रिटिशर रहे हैं, और एक ही क्या है, इंडोलॉजिस्ट और ओरिएंटलिस्ट, मतलब जिन लोगों ने भारत की संस्कृति के बारे में देखा, पश्चिम संस्कृति के बारे में देखा, तो ये वो थे जिसमें हम देखते हैं कि कॉलोनियलिज्म ने भी और भी ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा दिया। तो वो कहते हैं कॉलोनियलिज्म आने से तो लोगों की बहुत बेटरमेंट हुई है। जदुनाथ सरकार ने और क्या लिखते हैं, जिन्होंने पांच पूरी पांच की वॉल्यूम्स लिखी हैं, पांच किताबें लिखी हैं, किस किताब पे, ऑन द बुक नेम इज फॉल एंड द फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर स्टडीड औरंगजेब रीजन पॉलिसीज। सो उसने रीजनल पॉलिसीज पे, क्योंकि अगर हम डिक्लाइन देख रहे हैं, पतन देख रहे हैं, तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद देख रहे हैं, तो ऐसा औरंगजेब ने क्या किया कि उसकी कैसी पॉलिसीज रही, क्या क्या चीज़ें उसमें गड़बड़ी की, क्योंकि वो एक कट्टर मुस्लिम था, ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम था, तो सरकार क्या ब्लेम करती है औरंगजेब के, कि जिस तरीके से उसने एक धर्म में भेदभाव किया, लोगों में भेदभाव किया, हिंदू ग्रुप्स में भेदभाव किया, उस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि लोगों का जो पॉलिटिकली लोगों का फेथ था वो कहीं ना कहीं हमें देखने को रिड्यूस मिलता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम बात करें 18th सेंचुरी की, हम ये वाली डिबेट से अब नहीं जा सकते दूर कि थ्योरी ऑफ डिक्लाइन थी और थ्योरी ऑफ रीजनलिज्म, ये दोनों डिबेट जो हैं कंटिन्यूटी और चेंज की अपने आप में एग्जिस्ट करती हैं, यू कैन नॉट ब्लेम देम आउट, यू कैन नॉट स्क्रैप इट। और हम देखते हैं विलियम इरविन टू सॉ दिस इंपीरियल डिक्लाइन एज कॉज्ड बाय द डेटोरेटिंग करेक्टर। अब वो भी क्या कहते हैं कि ये जो खत्म होता जा रहा है करेक्टर, बेसिकली वो रूलिंग एलीट ऐसा हो चुका था कि वो सिर्फ पैसा हड़पना चाह रहा था, सो उन लोगों को कहीं ना कहीं स्पेस नहीं मिल रहा था, और वो चाहते थे कि वो फर्दर मूव ऑन करें, उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। इसी चक्कर में हम देखते हैं कि ये जो डिक्लाइन थ्योरी है ये हमारी देखने को मिलती है। अब एक और चीज है, अब इसमें और जो हिस्टोरियंस है, तो जो सतीश चंद्र हिस्टोरियन है उनको हम कहते हैं अलीगढ़, अलीगढ़ आपकी यूपी में एक जगह है, दैट इज अनदर, क्योंकि एक ऐसा जब कई बार क्या होता है, एक स्पेस बन जाता है, स्पेस के हिसाब से हम देखते हैं कि हिस्टोरियंस आ रहे हैं। तो जो अलीगढ़ स्कूल है, जैसे सतीश चंद्र, इरफान हबीब, वो कहते हैं कि बहुत मटीरियलिस्टिक एविडेंसेस देखते हैं कि क्या इकोनॉमी के, बेसिकली कि कैसे इकोनॉमी में पतन होने के कारण हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर का पतन होता जा रहा था, कि इतना सेंट्रलाइज रेवेन्यू सिस्टम था, बट इतना बड़ा उन्होंने एम्पायर कर लिया, और सेंट्रलाइज रेवेन्यू सिस्टम था कि बिल्कुल एक ही जुट में होकर हम सेंट्रलाइज करेंगे, तो वो नहीं चीज़ें बन पा रही थी, कि वो पूरी पेमेंट जो हो रही थी उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा था, फिस्कल क्राइसिस आ गए, पैसों की डिमांड थी वो बहुत ज़्यादा थी, पेजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ऑपरेशन हो रहा था। तो हम सतीश चंद्र का आर्ग्यूमेंट देखते हैं कि जो फिस्कल क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा हो रही थी, और इनकैपेबिलिटी थी इंपीरियल ऑफिसर्स की कि वो रेवेन्यू कलेक्ट कर पाए। और हम देखते हैं कि बाद में कुछ डिक्लाइन होने को हम देखने को चीज़ें को मिलती हैं, जिसको हम कहते हैं सो कॉल्ड जागीरदारी क्राइसिस, बिकॉज लैंड बहुत ज़्यादा दे चुके थे और एक्सपेंशन हो चुका था, नोबल्स इतने बढ़ चुके थे, बट अब लैंड देने को बचा नहीं था, तो दोनों में जब क्लैश हुए चीज़ें खत्म होती गई, तो दैट इज़ नोन एज जागीरदारी क्राइसिस। सतीश चंद्र बाद में इसको कहते हैं कि जो ये डिक्लाइन था जागीर का, ये फर्दर पूरे सिस्टम को ख़राब कर देता है, और ये बात नहीं मानते हैं कि ये अनफर्ट जो, क्योंकि बार बार
अब इतना ज्यादा अपने टैक्स मांग रहे हो तो क्या होगा, पेजेंट्स क्या करेंगे, जान पूछ के ओवर ग्रेजिंग करेंगे, ओवर प्रोडक्शन करेंगे, कोशिश करेंगे कि सबकी सेटिस्फाई हो। इवन हम भी होते हैं, वी विल ट्राई टू बी मोर प्रोडक्टिव एट एवरी टाइम, बट एक लिमिट्स होती हैं। सो क्या हुआ कि वो बस्ट आउट हुआ एंड दैट लेड टू द फर्दर ऑपरेशन। तो हबीब की बेसिकली 1960s में इनका काम आता है, और वो कहते हैं कि जो स्टेट का इतना ज्यादा जागीरदारी क्राइसिस नो डाउट था, और वो एग्रीन क्राइसिस कहते हैं बेसिकली, कि एग्रीकल्चर की जो फील्ड थी, क्योंकि न्यू इम्प्लीमेंट्स लाने की कोई कोशिश नहीं करी जा रही थी, कोई न्यू डेवलपमेंट नहीं ला रहे थे, कोई न्यू टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, सब चीजें हम देखते हैं कि जो बेसिकली है वो रिवोल्ट्स में हो रही थी, और दिस इज नॉट समथिंग सपोर्टेड बाय द फर्दर जमींदार्स। तो जितनी ज्यादा आप देखेंगे कि एक जागीरदारी क्राइसिस और एग्रीन क्राइसिस एक जमीन पे होती जा रही थी, जस्ट बिकॉज 18वीं शताब्दी में हम देखते हैं कि इनका डिक्लाइन हो रहा था। बच्चों एक और चीज है, जब हमें बोला गया ना, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, क्योंकि हमारा जो टाइम पीरियड है 16th to 18th century, तो इस वाले पार्ट को आप कोशिश करना कि बाद में डालेंगे, कि पहले आप पहले 16th और 18th century में, जब हम दूसरी वीडियो आएगी उसमें आपको डेवलपमेंट्स में बताऊंगी कि कल्चर क्या था, चॉइसें कैसी हो रही थी, बट इसको जो है कि 18वीं शताब्दी हमारी जब खत्म हो रही है हम उसकी बात कर रहे हैं, तो अभी एंड वाले पार्ट में अपने आंसर में डाल के आना याद से। फिर हम देखेंगे कि बहुत सारे एक्सट्रैक्शन हो रहा था, स्टेट बहुत ज्यादा पैसे ले रहा था, तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो जमींदार्स हैं उनका बहुत ज्यादा हम देखते हैं कि जमींदार जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे एट द हैंड्स ऑफ पेजेंट्स and your labor class। अब और हमें क्या मिलती है कि जागीर से तो बहुत ज्यादा हम देख ही रहे थे, जब एक अनदर हिस्टोरियन दैट इज डी एफ रिचर्ड्स, वो क्या कहते हैं, वो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सिद्धांत हमें देखने दिखाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पे पैसा नहीं था, कि मतलब जैसे इरफान हबीब सॉरी सतीश चंद्र ने इसे कह दिया जागीरदारी क्राइसिस, इरफान हबीब ने कह दिया गेरियन क्राइसिस, तो जी एफ रिचर्ड्स क्या कहते हैं, ये ऐसा नहीं था कि जागीर्स नहीं थी, बट हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा थी, बट बेसिकली क्या था, जो इनफर्टाइल जागीर थी ना वो भी स्टेट के खालिस लैंड, खालिस लैंड क्या होता था, जिसमें स्टेट डायरेक्टली अपना रेवेन्यू निकालेगी, तो उसमें डाल दी गई। जब उसमें डाल दी गई तो उसमें उनको स्पेस ही नहीं मिल पाया। तो हम देखते हैं कि मार्क्सिस्ट हिस्टोरियंस फर्दर करते हैं कि 18 सेंचुरी एक करेक्टराइज कैसे किया जाता है कि जिसका पतन होने लगे। अब आगे हम देखते हैं कि इवन पोस्ट 1950s एनालिसिस, अगर हम 1950 की बात भी देखें तो पॉलिटिकली ऐसा डिक्लाइन हमें देखने को, क्योंकि पॉलिटिकली भी हम देख रहे हैं कि एम्पायर है, ये चीजें हैं वो खत्म होती जा रही है। तो अब हम देखते हैं कि ऐसा हम इस डिक्लाइन के हमें हमारे पास क्या प्रॉपर एविडेंसेस हैं, क्योंकि रीजनल सेंटर्स तो हमने बात करी कि आ रहे हैं, तो ये ही बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट बन जाती है कि क्या डिक्लाइन इतना हो रहा था कि सेंटर्स कुछ भी सब कुछ खत्म हो गए थे, या कुछ कुछ सेंटर्स थे जो कंटिन्यूसली मेंटेन्ड हो रहे थे, नए नए सेंटर्स आ रहे थे। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हमें जो दोनों में डिबेट में देखना है। यहाँ पे बच्चों ये आपका जो हिंदी मीडियम वाले दैट इज इरफान हबीब और सतीश चंद्र का टॉपिक यहाँ पे आ जाता है, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट खालिस लैंड, जो बात कर रहे हैं कि जागीरदार कैसे हो रहे हैं, ये आपके इसके लिए नोट्स है। देन मार्क्सिस्ट, अभी हमने पढ़ा कि जी एफ रिचर्ड्स भी इस चीज को रिजेक्ट करते हैं, ये उस चीज के ऊपर है कि सो दैट आई एम ट्राइंग टू बैलेंसिंग आउट, कि इंग्लिश हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स एटलीस्ट दे विल गेट बेनिफिटेड फ्रॉम इट, कि दोनों ही प्रकार के बच्चों को इसका लाभ मिले। और अगर आप नोटिस करेंगे तो इसीलिए प्लीज गो एंड स्टडी एटलीस्ट जी दिल्ली थ्रू द एजेस में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सबसे बेस्ट स्कोर करेंगे, एंड जितने इस वीडियोज को देखेंगे जितने भी बच्चे हैं, दैट यू आर द पीपल हु गेट द मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ इट। सो अगर तुम ऐसी चीजें ऐड करोगे सो इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। Now the new historiography. This is very important. New historiography में क्या बात करनी है हमने, कि सबसे बड़ी बात हम देखते हैं कि अब पुरानी स्टेट से एक ब्रेक हो रहे थे। जब आप हम वतन की बात आई क्यों, इसलिए अपने बात बोली ना
पतन की बात जब इतनी बात हो रही है, गिरन क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस, एंड देन जेएफ रिचर्ड्स कहते हैं नो 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 नो, देयर इज एन इनफर्टाइल लैंड, कि ऐसी जगह में जमीन दी जा रही है जो चीज ही उपजाऊ नहीं है। बट हम देखते हैं द न्यू हिस्टोरियोग्राफी, द न्यू हिस्टोरियोग्राफी सेज दैट देयर कैन बी ब्रेक, पुरानी स्टेट से हो रहा था, ब्रेक हो रहा था। तो हम इस चीज को अंधकार के मामले में हमने समझ लिया, बट 30-40 साल जब बीते तो ये चीजों को हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि 18th सेंचुरी एक डिबेट बन चुकी है। तो ये बेसिकली जो सिस्टम है वो बताता है कि एगेरियन सिस्टम से और रेवेन्यू अट्रैक्शन से बड़ा है कि सोशल कल्चरल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो चीज आपको आपके आंसर में बोली गई है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि एक सोशल और कल्चरल कंटेक्स्ट एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंटली इमर्ज हो रहा था, जो रीजनल स्टडीज से हमें पता लगता है। कि अगर आप बात करेंगे कि पैन इंडियन मुगल एम्पायर की, वो नो डाउट खत्म हो चुका था, वो मुगल एम्पायर का पतन तो हो रहा था, पर मुगल एम्पायर के पतन होने से ये नहीं है कि भारत की सारी जमीन पे ही पतन हो रहा था। बट हम देखते हैं कि कुछ कुछ हाईली सेंट्रलाइज जो इमर्ज थे वो हो रहे थे, और बेसिकली पतन इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने एक सेंटर की तकनीक अपनाई, सेंटर की तकनीक अपनाई कि सो दैट दे वांटेड, एवरीबडी वांटेड टू प्लेट कीप बट वन प्लेस, बट वो नहीं कर पाए। तो बार्नेट कहते हैं कि जो द एम्पायर को कुछ ऐसे, द एम्पायर मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ग्लू टुगेदर बाय द एम्परर, कुछ कुछ टुकड़ों में बटा हुआ था। वो कहते हैं ऐसा था ही नहीं, पहले भी नहीं था कि मुगल एम्पायर के टाइम पे भी कि इतनी सेंट्रलाइज सिस्टम था। तभी वो हिस्टोरियोग्राफी में वो लोग पॉइंट आउट करते हैं कि पहले के जो इतिहासकार हैं उन्होंने सोचा कि एक सेंट्रलाइज सिस्टम था जिसमें उन्होंने एगेरियन क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस और फिर उसको हटाया, बट बार्नेट कहते हैं कि ऐसा नहीं था, ये ऑलरेडी जो सिस्टम था ना इसमें हम देखते हैं कि डिक्लाइन हो रहा था, बट कुछ कुछ ये सारी चीजें जितने भी सेंटर्स हैं ये अपने आप में इंडिविजुअल थे और ये कैसे एक दूसरे से चिपके हुए थे एम्परर के कारण, ठीक है। और हम देखते हैं कि जब बीच में ही सेंटर का डिक्लाइन हो जाता है तो ब्लॉक्स को कुछ ना कुछ तो डिटोरेटेशन होगा, जब सेंटर का होता तब होता है बट इतना नहीं। तो फिर अब संजय सुब्रमण्यम और मुजफ्फर आलम क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं कि एक रजाई होती है, रजाई में आजकल बहुत अच्छा पैटर्न सा चलता है कि छोटे छोटे टुकड़ों से बन जाती है और एक रजाई बन जाती है। तो हम देखते हैं कि जो वो क्या करते हैं, वो एम्पायर को कहते हैं कि ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से बनी हुई थी। ज्यादातर हम देखें कि दीवारों पे अलग 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 कारपेट लगे थे, वैसे नहीं थे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से ही एक देश बन रहा था, रादर देन एक पूरी एक दीवार जा रही है फिर उसे एक अलग अलग कारपेट की अब गैलरी में जा रही है, ऐसा नहीं था, एक एक पूरा पूरा सेंटर नहीं था। तो अकॉर्डिंग टू दीस हिस्टोरियंस जो मुगल्स हैं वो स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि दिल्ली एंड आगरा माइट हैव विटनेस, मतलब दिल्ली और आगरा में हमें आपको बताना है क्योंकि जो आपका शहर है जिसमें हम अभी एक दूसरी वीडियो जब आप पढ़ोगे कि सोशल कल्चरल डेवलपमेंट हो रही थी उसमें डेवलपमेंट आ रही थी नो डाउट, पर हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारी डायनामिक चेंजेस हो रहे थे, इकोनॉमिक रीओरिएंटेशन हो रही थी। तो जो ये हिस्टोरियंस हैं ये कहते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन था, रीजनलिज्म था, रीजनवाद था, और कोलैप्स और डिक्लाइन जैसे टर्म्स को नहीं यूज करते, एक अंत नहीं हुआ था, लैकेज नहीं था, कोई एक एम्पायर नहीं था, मोनोलिथिक नहीं था, एक चीज नहीं टिकी हुई थी, अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग एम्पायर्स एमर्ज। अब कुछ ट्रेडिशनल हिस्टोरियंस हैं, ट्रेडिशनल व्यूज क्या हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं कि कैम्ब्रिज स्कूल देखता है कि कॉलोनियलिज्म आने से हम देखते हैं कि बहुत सारा एक नया हिस्टोरिकल प्रोसेस शुरू हो गया था। तो सी ए बेली क्या कहते हैं, इसमें एक रिविजनिस्ट अप्रोच निकालते हैं। अब इसमें और भी चीजें हैं और हिस्टोरियंस और इतिहासकार आते हैं, जैसे कि सी ए बेली, वो कहते हैं कि जो मुगल पॉलिटी थी उन्होंने अपना बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया हुआ था साइज और सेंट्रलाइजेशन। मुगल्स क्या चाहते थे कि हम ही हम रहे, पर अब वो देखते हैं कि जो हम वो क्या देखते हैं कि जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हो रहा है वो बहुत पॉजिटिव लाइट में है, कि जहाँ पे कॉरपोरेट ग्रुप्स और सोशल क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं, कि मतलब जो कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स आ गए, कुछ ट्रेड आ गए, कुछ कायस्थ आ गए, कुछ ऐसे लोग इमर्ज हो गए जो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले क्या रोल कर रहे हैं कि इन कमर्शियलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कि कमर्शियलाइजेशन हो रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, उसमें जहाँ पे हम देखते हैं कि मुगल एम्पायर की हम देखते हैं शिफ्ट है पावर का, जिसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है। तो बेली इसको फर्दर कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट्स, कि इस टाइम पे जो दिल्ली और आगरा था वहाँ आपको बताओ नीचे डिक्लाइन था, बट जो उसके साथ के नेबरिंग स्टेट्स थे वहाँ पे एक प्रकार की संरचना दोबारा को चल रही थी।
फिर संजय सुब्रमण्यम हमें एक और ग्लोबल अप्रोच देखती हैं, कहते हैं कि कनेक्टिविटी ऑफ लोकल एंड सुपरा लोकल। संजय सुब्रमण्यम एक तो आपको बात करते हैं पैच वर्क क्विल्ट की, दूसरी बात करती है कि कनेक्टिविटी ऑफ द लोकल एंड सुपरा लोकल, मतलब एक सबसे छोटा और एक फिर उससे बड़ा, मतलब इवन लोकल नेटवर्क बहुत ज्यादा हो रहे थे। तो इवन अगर हम दिल्ली और आगरा की बात करें तो दिल्ली और आगरा में पैन इंडियन जो थी एम्पायर तो कहीं ना कहीं हो रहा था, बट छोटे 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 इनके इमर्जेंस थी और इनको हम कहते हैं पोर्टफोलियो, उन्होंने एक टर्म दिया पोर्टफोलियो कैपिटलिस्ट। पोर्टफोलियो एक आपका बहुत छोटा सा पोर्टफोलियो जब इसमें इंट्रोडक्शन वगैरह होता है तो कहते हैं कि कुछ ऐसे ऐसे छोटे छोटे लोग इमर्ज हो गए, छोटे छोटे ग्रुप्स के इमर्ज हो गए जिसमें हम कहते हैं ट्रेडर्स, बैंकर्स और मर्चेंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे थे कि इस काल में पतन ना हो और आपकी एक ट्रांजिशन स्टेट कहलाए। अब हम इसका कंक्लूड करना है तो देखते हैं कि क्या ये चेंज था या कंटिन्यूटी थी। तो हमें पता चल गया कि 18th जो सेंचुरी की इकोनॉमी थी वो बिल्कुल ही इसका अंत नहीं हो रहा था, और हम देखते हैं कि ब्रिटिशर्स आ रहे थे, उन्होंने अपना समय अपनी कॉलोनियल एक्सपेंशन कर रहे थे नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्दर्न इंडिया में अपना रूल स्टैब्लिश कर रहे थे जिसमें वो लोकल सोसाइटीज और एक न्यू रजीम आ रही थी, बट इट इज नॉट समथिंग दैट कैन बी करेक्टराइज एज अ डिक्लाइन। ओके, सो ऐसा नहीं हो रहा था कि किसी चीज का अंत हो रहा हो या किसी चीज का खत्म हो गया, और नहीं, एक निरंतरता थी, एक कंटिन्यूटी थी, परिवर्तन आ रहा था, पर उसमें इसको हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसका अंत नहीं था, पतन नहीं था। सो कंटिन्यूटी और चेंज कहाँ कहाँ था, हम देखते हैं म्यूजिक में था, आर्किटेक्चर में था, आर्टिस्ट रह गए, तो अभी जब हम पढ़ेंगे कि सोशल कल्चर अभी हम पढ़ेंगे तो ये कंटिन्यूड रहेंगे, ये नहीं होगा कि खत्म हो जाएंगे मुगल एम्पायर के बाद। और तो और हम देखते हैं कि आर्टिस्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करते हैं रोल कि अपना पैट्रनेज देने में, आर्टिस्ट को लोकल लोग हैं वो पैट्रनाइज करेंगे, वो पैसा देंगे। ऑल्दो मुगल पहले कर रहा था तो एक कहते हैं ना कि पैट्रन क्लाइंट रिलेशनशिप बना हुआ था, बट इनके जाने से ये चीजें खत्म हो गई, बट रीजनल लोग आ गए, यही लोग पहाड़ियों में जाके, तो ऐसे पहाड़ी लोगों के सॉन्ग्स बन गए, आर्ट बन गए, तो एक रीजनलिज्म आ गया, एक रीजन का सेंट्रल फोकस हमें देखने को मिलता है। चलो बच्चों, विद दिस इसको आपको एक छोटी सी मैंने डिबेट का कम डाला है, इतना बहुत बड़ा नहीं है, इसको आप अपने आंसर्स के एंड में रखिएगा, सो दैट आप पहले शुरुआत में बताएंगे कैसे ग्रोथ हो रही है, क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है, फिर हम एक पतन का टाइम पीरियड बताएंगे। सो जस्ट मेक नोट्स, कुछ नोट्स बना लो इसमें से, जो कुछ कुछ किसी की हिस्टोरियंस की व्यू पॉइंट ले लो एंड ट्राई टू कीप दैट वे, तो तुम लोगों के पास आइडिया होगा कैसे चीजें लानी है। तो इस चीज से जब तुम फ्लो में लिखोगे ना, आई कैन एश्योर यू कि इससे बेटर मार्क्स तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे जब तुम इस चीज को मैंशन करके आओगे। So if you have any doubts, you can contact me on this number, you can mail me on this number, or you can also comment it down so that everybody can see it. Bye, students.